क्या हो रहा है? बस करो, चलो भी। आह, तुम लूजर हो। मदद करो। तुम ठीक हो अभी? हर रोज सेम चीज हो। और तुम इसे परेशान करना बंद करो। ये हमारी गलती नहीं है। मेरी एबी को किसने परेशान किया? हो, अब तुम गए। रुको, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अब मेरी टेक्निक देखो। मुझे लग गई। अब वो परेशान नहीं करेंगे। चलो घर चलते हैं। अब मैं और नहीं सह सकती। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ। तुम चिंता मत करो एबी, रोना बंद करो। एबी, तुम खूबसूरत हो। तो हम प्रॉब्लम्स का ध्यान रखते हैं। हम सिखाएंगे वैक्स कैसे करते हैं। मेरी मदद करो काइली। बिल्कुल कीरा, कुछ ज्यादा नहीं, बस बहुत सारी वैक्स। आखिरकार हमें हेयर्स भी तो सॉफ्ट करने हैं। ये तुम क्या कर रही हो? 3, 2, 1, खींचो। यहाँ यहाँ। अच्छी बात है कि सारे बाल निकल गए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ, शायद अब मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है ये नई लुक मुझे अच्छी लगी। शुक्रिया। ओह, ये क्या है? तुम्हारे हेयरडू को क्या हुआ? मैंने जिंदगी में इतनी गंदी चीज कभी नहीं देखी। अभी किसी भी फोम ही मदद कर सकती है। ये सबसे आसान गैजेट उसमें हमारी मदद करेगा। बस थोड़ा सा शैम्पू में डाले और काम पर लग जाओ। ऐसी हेड मसाज कितना अच्छा महसूस करवा रही है। कितना आरामदायक है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बाल इतने सुंदर लगेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या तुम प्यारे से कर्ल्स करवाओगी? मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। बस 2 मिनट और तुम्हारे बाल बन जाएंगे। मुझे लगता है इसे अच्छी सी ब्रेड्स की जरूरत है। देखो और सीखो बेबी, बहुत आसान है। खैर, तुम्हें पसंद आए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ठीक है, ये बेहतर है ना? वाह, अच्छी लग रही हो बहन। ये लो तुम्हारे लिए एक बो। सच में कीरा, हमारी नई लुक बहुत अच्छी है और इस हेयर क्लिप से और अच्छी लगेगी। हमें इन पिंपल्स का कुछ करना चाहिए। हमें इन्हें फोड़ना होगा। रुको, इसे खराब मत करो एबी। मेरे पास बेहतर आइडिया है। रुको, बस मुझे वो गैजेट ढूंढने दो। तैयार हो जाओ सिस, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। क्या मुझे करना चाहिए काइली? ये प्रोसीजर काम कर गया। हाँ, काइली एबी का चेहरा खराब कर रही है। हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। हे बहन, क्या ये कूल सा ब्रेसलेट चाहिए? पकड़ो। चिंता मत करो एबी, अब तुम मेरे पास हो। हम सिर्फ सेफ और अप्रूव टूल्स इस्तेमाल करेंगे। अपने पिंपल्स को बाय कह दो। एक बार बटन दबाने से तुम्हारी स्किन एकदम साफ हो जाएगी। मुझे करने दो कीरा, मैं इसे कर लूंगी। भरोसा करो। बस हो गया, लगता है सिर्फ तुम ही बचे हो दोस्त। इधर आओ तुम। क्या तुम ठीक हो एबी? मैं उसे खींच नहीं पा रही। बिल्कुल नहीं, मैं यूनिकॉर्न नहीं बनना चाहती। मैं यूनिकॉर्न नहीं बनना चाहती। ये मजाक नहीं है काइली, अपना फोन बंद करो। थोड़ी देर के लिए अपने लाइक्स के बारे में भूल जाओ बहन। एबी मुश्किल में है। ठीक है, मैं उसकी मदद करती हूँ। क्या हुआ बहन? ठीक है, इसे हटाते हैं। शुक्रिया काइली, मैं अब अच्छी लग रही हूँ। पर मेरी नोज अभी भी साफ नहीं है। लड़कियों, मुझे ये ब्लैक हेड साफ करने हैं। चिंता मत करो एबी, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बस ये मास्क लगा लो, थोड़ी देर इंतजार करो। और वाह, ये काम कर गया। काइली, ये पकड़ो। बिल्कुल नहीं कीरा। लड़कियों, तुम इसमें बहुत माहिर हो। खैर, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं इसमें तुम्हारी मदद करती हूँ बहन। अब काफी अच्छा है। ये बस एक फैशनेबल मुस्ताश है। बेलिसिमो, क्या किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया है? पागल बनना बंद करो। लड़कियों, इस सिचुएशन में प्रोफेशनल मदद करेंगे। थोड़ी सी वैक्स लो और हीट को चला दो और मेरा ब्यूटीफुल पोशन हो गया। मुस्ताश लड़कों के लिए होती है। ठीक है अभी, चलो इसे हटाते हैं। ये बहुत दर्द कर रहा है। अभी बस हो गया। क्या मैं विस्कर्स के साथ अच्छी लग रही हूँ? बिल्कुल बहन। ब्यूटी प्रोसीजर्स थका देते हैं। अब स्नैक्स का समय हो गया है। इधर ही रुको एबी, आखिरी बार तुमने ब्रश कब करा था? पता नहीं क्यों, क्योंकि ये बहुत डरावने लग रहे हैं। ये लो, ये डिवाइस तुम्हारी मदद करेगा। क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ? इसे देखो, मैं आ गई काइली। अपने आप को छुपा लो, मेरा हो गया। खैर, क्या अब ये बेहतर है? नहीं एबी, शायद हमें वो दांत हटाने होंगे। अभी नहीं काइली, हम उससे बेहतर ये इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ी सी टूथपेस्ट लगाओ और तुम्हारे दांत जल्दी ही साफ हो जाएंगे। इसे बाहर निकालने की कोशिश मत करो एबी। क्या तुम ठीक हो? मैं मदद करती हूँ। ओरल हाइजीन के लिए इतना काफी है। अब रिजल्ट्स देखते हैं। हम तुम्हारे
तुम्हारे मेकअप के बारे में तो भूल ही गए थे। बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। अब कुछ जादू करते हैं। ये सब मेरे लिए है, कितना कूल है। ठीक है, मुझे पता है कैसे करना है। यकीन मानो, मैंने कुछ इंटरनेट ट्यूटोरियल्स देखे थे। चलो, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। तुम एक स्क्वायर क्रो की तरह लग रही हो अभी। हाँ, ये अच्छा नहीं है। अब माहिर अपना कमाल दिखाएंगे। वो बहुत अच्छा रोजी मेकअप करेंगे, जितना ब्राइट उतना बेहतर, चमकीला और चमकीला। सब हो गया अभी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे लिप्स को प्लम्प करना कैसा रहेगा। चलो इसे करते हैं, ये काम कर गया कायली। पर एक और चीज, मुझे मेरी आँखें इसकी तरह चाहिए। क्या तुम कर सकती हो? बिल्कुल, हम कर सकते हैं। तुम मुझ पर छोड़ दो, ऐसे ही रखो अभी। याद रखो, ब्यूटी में सैक्रिफाइस करना होता है। आराम से करो कायली, ये आसानी से भी हो जाएगा। तुमने मुझे बचा लिया, हम ये तुम्हारे टेंपल्स पर चिपका देंगे। और खींचो। मैं एकदम मैगजीन कवर की तरह लग रही हूँ। अभी सेलिब्रेट मत करो बहन, तुम्हें अभी आउटफिट भी बदलनी है। मुझे नहीं करनी, रोना बंद करो अभी। अपनी वार्डरोब सही करने का ये अच्छा समय है, इसको मत भूलना। मैंने पहन ली लड़कियों। एबी, तुम एकदम अच्छी लग रही हो। तुम्हारा पोस्चर ठीक नहीं है अभी, हमें तुम्हारी बैक सीधी करने की जरूरत है। बस इतना आसान है, मदद करो। चिंता मत करो एबी, मैं आ गई। ये कॉर्सेट तुम्हें सीधा रखने में मदद करेगा। चलो पहनो इसे, अब मैं प्रिंसेस लग रही हूँ। ओह, पर हमें इसे ड्रेस के अंदर छुपा लेना चाहिए, है ना? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तुम सुंदर लग रही हो एबी, पर तुम से बदबू आ रही है। अब इसमें मैं क्या करूं? हम इसे ठीक करते हैं, ये पैड्स पसीना सुखा देंगे। ओह शुक्रिया। ओह, मुझे लग गई। क्या तुम्हें लगता है मैं हील पहन लूंगी? चिंता मत करो एबी, हम मदद करते हैं। शुक्रिया कीरा। खड़ी हो जाओ एबी, चलो भी चलो। तुम ये कर सकती हो स्वीटी, हम तुम्हें चीयर कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ओ लड़कियों, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया। अब तुम तैयार हो एबी, जाओ और जीत जाओ। अब एक और लेसन है जो एबी को सीखना है, जिसे वो पसंद करती है उससे कैसे बात करनी है। कीरा देखो, वो कितना कूल है। हे, तुम क्या कर रही हो? एबी तमीज से रहो। मैं बोल रही हूँ बस करो। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो। हे, ये बहुत गलत है। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है बहन, अब देख कर सीखो। हाय, ये जगह कितनी अच्छी है ना? और डेजर्ट कितनी स्वादिष्ट है। तुमने कुछ लगा लिया है, मैं हटा देता हूँ। शुक्रिया, तुम कितने अच्छे हो। छोड़ो भी, मुझे मदद करके अच्छा लगता है। कीरा तुम जीनियस हो, मैं नोट्स बना रही हूँ, करती रहो। अब एक और ट्रिक की बारी है, अगर तुम्हारे गले में कुछ फंस जाए तो एक सच्चा जेंटलमैन हमेशा मदद करता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे जाना होगा। रुको, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। ठीक है, मैं समझ गई। कीरा मुझे गुड लक विश करो, मुझे लगता है तुम्हें और लेसन सीखने चाहिए। हे स्मार्टी, अकेले हो और बोर हो गए हो? ये डिजर्ट कहाँ से आए? स्वादिष्ट है, थोड़ा ध्यान से, वो इसे समझ नहीं पा रहा। हाँ ठीक है, ऐसे ही रहो, हमें प्लान बी पर आना चाहिए। मदद करो, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, लगता है मैं मरने वाली हूँ। नहीं, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं हुई, शायद मुझे मॉम बुला रही है। मिलते हैं। वो यहाँ काम नहीं किया। कीरा, शायद मैंने गलत इंसान को चुन लिया। ये तुम्हारा पहली बार था हनी, दुखी मत हो। ये अच्छा है ना कीरा? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। चलो एबी, उसके पास जाओ। याद रखो एबी, तुम्हें लेटेस्ट ट्रेंड करना होगा। डांस कैसे करते हैं पता होना चाहिए। और एक्शन, एबी के डांस का बहुत अलग स्टाइल है। कितना बोल्ड, बहुत बहादुर, ये बहुत ज्यादा है बहन। एक लेडी को ऐसे डांस करना चाहिए। क्या तुम्हें पक्का पता है कि इतने डिसलाइक क्यों है? याद आया, बस इंतजार करो। वहाँ क्या कर रही हो लड़कियों? तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ खड़ी हो जाओ एबी, ऐसे करो। डांसिंग बहुत आसान है, बस रिदम के साथ चलते रहो। आओ कीड़ा, तुम भी करो बहुत खुशी से। वाह, ट्रिपलेट्स डांस को बहुत लाइक्स मिल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। खैर, मैं आ गई। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ शायद, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बाहर चले डेनिस, धोखेबाज, ऐसे कैसे कर सकते हो? ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। चलो भी, तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। तो तुम दोनों की पहली डेट कब है? इसकी अच्छी चॉइस है अभी, मैंने मान लिया। चलो अभी चलते हैं, मुझे हमारी लिटिल गर्ल पर गर्व है।
ये फैसला फाइनल होगा, कोई दोबारा अपील भी नहीं कर सकता। बेटी अपने फादर के साथ रहेगी। एक परिवार का टूटना बहुत दुख की बात है, पर शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। मॉम्स कभी हार नहीं मानती। काइली अपनी प्यारी एबी से मिलना चाहती है, पर दरवाजे पर ये है। टायलर सच में एक जोकर है। काइली को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, पर एक बुरी गार्ड जरूर रोक सकती है। मैं एबी से मिलने आई हूँ। बच्चे से कोई नहीं मिल सकता, इसका कोई फायदा नहीं है। पर काइली टायलर को सबक सिखा कर रहेगी। अगर मैं पीछे से चली जाऊँ तो ये तो काम नहीं किया, कुछ नहीं हो सकता। तो ये रहा बुरा इंसान। तो मंदिर नहीं आ पा रही हो? हाँ, मैंने लॉक्स बदल दिए हैं और खिड़कियों पर बार्स लगा दिए हैं। तो तुम यही चाहते हो? घर में घुसने का एक मौका है। काइली बड़ी आंखों वाली गार्ड की नजरों से बचकर चली जाएगी। हनी, तुम्हारा काम खत्म हुआ। ठीक है, अब काइली अंदर जा सकती है। वो बस एक मेड है। मैं आ गई। आ जाओ, पर मेरे सामने से हटो। उसने कर दिखाया। छोटी सी एबी कहाँ है? वो जरूर अपनी मॉम को मिस कर रही होगी। एबी, तुम कैसी हो? मम्मी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, पर ये एक लंबी मीटिंग नहीं होने वाली। गार्ड सोते नहीं है। क्या मॉम बिल्डिंग में है? मेरे रहते हुए नहीं। आप जाइए लेडी। एबी, मैं तुमसे जल्द मिलती हूँ, पक्का। और आज स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। ये एक खास दिन है। आज सारे स्टूडेंट्स अपनी मॉम के साथ आए हैं, पर एबी नहीं। मॉम की जगह उसके पास डैड है। मैं इस पेरेंट्स की लड़ाई से तंग आ चुकी हूँ। काश मैं कहीं गायब हो जाती। अब पूरा स्कूल एबी पर हंसेगा। तुम क्या देख रही हो? क्या तुमने कभी किसी फादर को नहीं देखा? कोई फायदा नहीं है, आप अपनी प्यारी बेटी को निराश नहीं कर सकते। एबी, मैं अभी वापस आता हूँ। और अब सेलिब्रेशन का सबसे जरूरी पार्ट, हमारी प्यारी मदर्स के लिए फूल। अच्छा है कि एबी की मॉम पार्टी के लिए वहाँ पहुँच गई। What? Oh my God. ये बदलाव काम कर गया। डैड आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। फूलों के लिए शुक्रिया। एबी, ये एक अच्छा आइडिया था, है ना? डैडी के क्रिएटिव आइडियाज कभी कभी बहुत बेकार लगते हैं। एबी अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। अच्छा है कि उसके कपड़े अभी भी अलमारी में हैं। और वो इस फोटो में कितने खुश हैं। एबी, तुम क्या कर रही हो? साफ है तुम अपनी मॉम को मिस कर रही हो। ये सब कब खत्म होगा? इसकी आदत डाल लो, अब से कोई मॉम नहीं। अपने रूम में जाओ और टाइलर अपने काम पर ध्यान देगा। अब इस घर से काइली की सारी यादें हटानी होगी और ये आसान नहीं है। क्या पता काइली के सामान में क्या पड़ा हो। मिशन के लिए तैयार, चलो शुरू करें। काइली के पास बहुत सारे कपड़े हैं। अब मुझे पता चल रहा है फैमिली बजट कहा जाता था। हमें इसकी भी जरूरत नहीं है और काइली फैमिली फोटो में भी नहीं होनी चाहिए। अब कोई पास्ट नहीं, अब ठीक है। काइली का सामान कूड़े में होना चाहिए। अब एबी उदास नहीं होगी। कितने गंदे डैड हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर एबी मॉम का सामान निकाल लेती है। परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करना कोई मजाक नहीं है। चीयरलीडिंग कोच बहुत स्ट्रिक्ट है। लड़कियों, चलो रूटीन शुरू करें। अपने हाथ यहाँ रखो, टांगे इस तरह। ओह, हे भगवान, मेरी कमर दर्द होने लगी। तुम आगे जारी रखो। क्या ये हो भी सकता है? लगता है ये तो नहीं हो पाएगा। और टीम मैस्कॉट बार-बार बीच में आ जाता है। हटो, हमें अकेला छोड़ दो। इससे दिक्कत है, शायद से ये पागल है। एबी, मैं मॉम हूँ। भगवान का शुक्रिया, मॉम ने अपनी बेटी तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ ही लिया। पर खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। कोच अपने चीयरलीडर को ज्यादा देर तक आराम नहीं करने देगी। बेयर कोर्ट से बाहर जाओ। शुरू करो लड़कियों। फिर से नहीं हुआ, ये किसी भी तरह से नहीं हो रहा। पर टीम मैस्कॉट हमेशा बचाव के लिए आ जाता है। कोच, क्या मैं ये ट्राई करूँ? ठीक है, ध्यान से। तुम तैयार हो बेटी? ये और हो गया। पर अब सबको पता है कि इस क्यूट टैडी कॉस्ट्यूम में कौन छिपा हुआ था। पर एबी को अपनी मॉम से मिलना सख्त मना है।
यहाँ से भागने का समय है। रुको, मुझे तुम्हें पकड़ने दो। एबी पार्टी कर रही है। मॉम को अपनी बेटी को तैयार करने की आदत थी, पर अब ये डांट करेंगे। डैड, मुझे क्यूट सा आई मेकअप चाहिए, थोड़ा सा ब्लश और हाइलाइटर। ये तो मुश्किल लग रहा है, पर डैडी ब्यूटी चैलेंज के लिए तैयार है। शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेंट यहाँ, थोड़ा सा पाउडर वहाँ और थोड़ा सा ग्लिटर। रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो अभी। ये देखो, ये शीशे में कौन है? डैडी, आपने सब कुछ खराब कर दिया। अरे वाह, तुम बहुत सुंदर हो। अब जाओ, जाकर कपड़े चेंज कर लो। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। एबी अब बड़ी हो गई है। डैडी, मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ, पर मुझे घर ही रहना चाहिए। पागल मत बनो एबी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर कुछ कमी है। मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैं पार्टी में इस तरह नहीं जा सकती। और मॉम बिल्कुल समय पर आई है। चिंता मत करो डियर, हम इसे ठीक कर देंगे। चलो इसे बदल कर फिर से मेकअप करते हैं। अब ठीक है ना? ओह हाँ, शुक्रिया मम्मी। ओह, मेरे ख्याल से टाइलर आ रहा है। मैं काउच के पीछे छिप जाती हूँ। ये लो एबी, मुझे मिल गया। देखो ये कितना क्यूट है। ये तुम पर अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छे से तैयार किसने किया? डैड ने। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओह, मेरे ख्याल से डैड को फर्क पता ही नहीं चला। आदमी ऐसे ही होते हैं। काइली काफी समय से अपनी बेटी से नहीं मिली है और देर रात टाइलर उसे देख भी नहीं पाएगा। हमें बस एबी को एक इशारा देना होगा। ये आवाज कैसी है? ये मॉम है। मुझे उनके लिए सीढ़ी बनानी होगी और उसके लिए शीट्स बढ़िया रहेंगी। सही लग रही है। मॉम, आप तैयार हो? ऊपर आ जाओ। काइली इन छोटी मुश्किलों से डरती नहीं है। शीट्स पर चढ़कर सेकंड फ्लोर पर आना क्या बड़ी बात है। क्या ये डैड है? छिप जाओ जल्दी से। एबी, तुम सो रही हो? हाँ डैडी। अच्छी बच्ची, अच्छे से सोना। पर आज रात कोई नहीं सोएगा, हमारा तो मस्ती करने का प्लान है। एबी और उसकी मदर हमेशा कुछ न कुछ सोच ही लेते हैं। बहुत समय से मेकअप वर्कशॉप भी नहीं हुई है। डैड को इन सब लड़कियों वाली चीजों की आदत नहीं है। वो कभी भी मॉम की जगह नहीं ले सकते, चाहे वो कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले। और मॉम की कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है। एबी को उनकी पाइस और कुकीज बहुत अच्छी लगती है। ये स्वादिष्ट होती है। पर डैडी के साथ आम खाना तो एक सपना है। वो सिर्फ पास्ता और स्क्रैम्बल्ड एग्स ही बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। पर वो काफी कोशिश करते हैं। मुझे खाना ही होगा ताकि वो नाराज न हो जाए। एबी, तुम खा तो नहीं रही? शायद से तुम बीमार हो। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो बहुत उदास है। एबी अपनी मॉम को याद कर रही है। मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये सब काइली की गलती है ना? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। स्माइल करो एबी, आज तुम्हारा बर्थडे है। जब मॉम ही साथ ना हो तो ये कैसे मजेदार हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ डियर। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। और आज एक खास दिन है, इसलिए आज एक और गिफ्ट है। बहुत सारे हैं। तुम खुश हो? ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है, डैडी सब ठीक कर देंगे। ये देखो तुम्हारे लिए फनी फेस। ये हमेशा एबी को हंसा देता है। आज नहीं, पर डैडी के पास अभी भी कुछ जोक्स हैं। इससे भी कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ही तरीका है, यही रहो एबी। डैडी अब और क्या करने वाले हैं? मैं आपके प्रेजेंट से तंग आ गई हूँ। ये कोई आम प्रेजेंट नहीं है। तुम तैयार हो? 3, 2, 1। मॉम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो टाइलर? डार्लिंग, आज एबी का बर्थडे है, याद है? मुझे नहीं पता तुम ये कैसे भूल गई। हनी, मेरे गले लग जाओ, अब बर्थडे में मजा आएगा। टाइलर उदास है, लगता है उसकी बेटी को उसकी जरूरत नहीं है। डैडी, आप कहाँ जा रहे हो? चलो पहले की तरह साथ में मस्ती करते हैं। लगता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ।